नमो नमः। मोहांधकार भरते मातः सदैव कुर्वासु मुदार भावे स्वयाखिलव वयो निर्मल सुप्रभावी शीघ्रं विनाशय मनोगत मंधकारम। मैं धर्मेश तिवारी संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्त जीडी गोयनका में आप सबका काउंसलिंग सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अध्यात्म में वृत्ति, इस विषय पर मैं आप लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संस्कृत देव भाषा गीर्वाण भाषा के रूप में जानी जाती है। हमारी देश की जो पहचान है वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा से है। इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। हजारों सैकड़ों वर्षों की पीढ़ियों का अनुभव संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। इस प्राचीन ज्ञान को सहेजने के लिए भारत सरकार ने नेशनल ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत की शिक्षा केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पारंपरिक ज्ञान के आधार को विस्तृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि अध्यात्म है क्या? तो अध्यात्म आत्म परिष्कार की साधना को अध्यात्म कहते हैं। प्राचीन काल में हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था। आध्यात्मिक हमारी जो बौद्धिक शक्ति थी वो बहुत ही परिष्कृत व परमार्जित थी। यही कारण है कि हमारे ऋषि महर्षि अनेकानेक शोध कार्य किया करते थे। यह ऋषि परंपरा आज भी हमारे देश में विद्यमान है। अनेक साधु संत मठों मंदिरों आश्रमों आदि में रहकर समाज को दिशा दे रहे हैं और ये परंपरा आज भी उसी गति से चल रही है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के उच्च प्रतिमान आज भी हमारे समाज में पूर्वोत्त की भांति दिखाई दे रहे हैं। संक्षेप में कहूं कि आज भी हमारे रक्त में अध्यात्म प्रवाहित हो रहा है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो संस्कृत भाषा है वो मात्र भारत देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका प्रभाव रहा है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत की तो पूरे देश में भाषाई तौर पर सबसे ज्यादा 15 विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के कोने कोने में बने इन विश्वविद्यालयों में लाखों की संख्या में छात्र अध्ययन अध्यापन व शोध कार्य में लगे हुए हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि एक ओर संस्कृत को विश्व की सबसे पुरानी भाषा होने का गौरव प्राप्त है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान सम्मत व्याकरण होने से सर्वाधिक परिष्कृत भाषा का खिताब भी इसी के नाम है। भारत से बाहर संस्कृत पूरी दुनिया के 250 से अधिक, एक बार पुनः दोहराते हुए, 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करते हैं अध्यात्म की, तो अध्यात्म में प्रवेश का मार्ग क्या है, हम कैसे अध्यात्म में प्रविष्ट हो सकते हैं? तो जैसे मैंने अपने शुरू में कहा अपने वक्तव्य में कि संस्कृत अगर देखा जाए तो गुरुकुलों से निकल करके पूरे विश्व में फैली है। इस क्षेत्र में अर्थात अध्यात्म में प्रवेश के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। मूलतः यदि कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई इंसान अध्यात्म की ओर जाता है तो उसे संस्कृत विषय का गूढ़ ज्ञान व उस विषय में उसकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे पौराणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं, इसलिए संस्कृत का ज्ञान उसके लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात,
हम जब बात करते हैं प्रवेश के लिए, तो बाल्यावस्था से ही संस्कृत का गहन अध्ययन गुरु की देखरेख में होना चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र में प्रविष्ट होने का कोई एक विशिष्ट मार्ग नहीं है कि एक विशेष मार्ग से होकर के आप गंतव्य तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, बहुत से संत महात्मा, बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतः अपने आप में रुचि जागृत करके इस क्षेत्र विशेष में, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त की है। अब बात करते हैं हम अध्यात्म में प्रवेश से लाभ क्या है। जैसे आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से आप सब परिचित हैं। तो कोई भी कार्य व्यक्ति जब करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका लाभ हानि निश्चित रूप से छिपा होता है कि हम इस कार्य को क्यों करें। तो अध्यात्म में प्रवेश से लाभ क्या है? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में मान सम्मान, धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि की सहज व सरल रीति से प्राप्ति होती है। देश विदेश में अपने ज्ञान के बल पर लोहा मनवाने वाले असंख्य आध्यात्मिक गुरु, जैसे श्री श्री रविशंकर जी को ले लेते हैं, महंत नृत्यगोपाल दास जी को ले लेते हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज को ले लेते हैं, जिनकी विद्वता से आप परिचित होंगे, कभी न कभी आपने देखा होगा। श्री राम भद्राचार्य जी को आप देख सकते हैं जो जन्म के 2 वर्ष पश्चात अंधे हो गए और आज देश विदेश में चारों तरफ राम और कृष्ण से जुड़ी हुई अनेक गाथाओं को, अनेक कथाओं को चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। तो ये लोग हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श हैं जो समाज को सद्प्रेरणा, सन्मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। एक इसी स्लाइड में आप लास्ट में देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, जिनका जीवन एक धार्मिक प्रवृत्ति से, धार्मिक वृत्ति से आरंभ होकर के आज ऊंचाइयों को, नित्य नूतन ऊंचाइयों को छू रहा है। तो अध्यात्म में प्रवेश से अगर देखा जाए तो लाभ ही लाभ है। अब बात हम करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में जाने के लिए कौन कौन से संस्थान है। अगर हम देखें तो बात हम जब करते हैं तो हमारे देश की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक नगरी, उसमें वाराणसी, वृंदावन, उज्जैन, अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज आदि ऐसी महान नगरियां हैं, ऐसी महान नगर हैं जहां से अध्यात्म की अलख पूरे विश्व में आज भी जग रही है, प्राचीन काल से जगती आ रही है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब इसकी चर्चा करते हैं तो मौजूदा गुरुकुल, विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में से सबसे पहला नाम आता है पतंजलि योगपीठ, जिसका संचालन पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। निसंदेह बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, हर कोई इससे परिचित। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रतिष्ठान हैं। दक्षिण में हम जब जाते हैं और या हम कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो हर क्षेत्र में ऐसे बहुत से संस्थान हैं जहां से रुचि रखने वाले बालक, विद्यार्थी इस क्षेत्र में अध्यात्म में प्रविष्ट होने का मार्ग निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कथावाचक व प्रेरक के रूप में, चित्र में आप देख सकते हैं, इनके नामों से आप सभी परिचित हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा संस्कृत का एक ऐसा ज्ञान है जो प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु उसको उसका वाचन करता था और शिष्य उसको ग्रहण कर लेता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ वैसे वैसे उसका स्वरूप भी बदला और अब पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी आज ज्ञानार्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं योग्यताओं के बारे में तो गुरु से सीख करके या किसी गुरुकुल से या विश्वविद्यालय में अध्ययन के पश्चात हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रही बात वेतन मान की, तो चूंकि ये स्वरोजगार के अंतर्गत आता है इसलिए इसमें कोई वेतन मान नहीं है। अनंत संभावनाएं हैं, जैसे आसमान अनंत है, ज्ञानस्य अंतम न विद्यते तथैव कथावाचक और प्रेरकों के लिए धन या धनार्जन कोई विषय ही नहीं है, असीमित धनार्जन है उनके लिए। आयु सीमा, कोई आयु सीमा नहीं है
जब भी उनके मन में आए वो अपना अपना क्षेत्र बदल सकते हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक निर्धारित आयु के पश्चात, काफी उम्र बीतने के पश्चात उन्होंने इस क्षेत्र में प्रविष्ट होकर के बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम दूसरा अगर हम पहलू देखें तो सेना में धर्म गुरु के रूप में, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रविष्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसमें वेतनमान क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से मैं इस स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि संस्कृत में स्नातक के पश्चात धर्म गुरु के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी JCO के रूप में निश्चित रूप से कोई भी संस्कृत का विद्यार्थी भारतीय सेना में धर्म गुरु के रूप में जा सकता है, चयन अपने चयन के लिए आगे बढ़ सकता है। संस्कृत में मेधावी विद्यार्थियों के लिए यह शानदार वृत्ति है। इसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। सेना में धर्म गुरु के रूप में जाने के लिए योग्यताएं, निर्धारित योग्यताएं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक होना चाहिए, स्नातक में आचार्य या शास्त्री की डिग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत के साथ स्नातक किया हो, अभ्यर्थी को एक वर्ष का कर्मकांड या डिप्लोमा कोर्स करना अनिवार्य है, अभ्यर्थी की आयु कम से कम 27 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष होनी चाहिए। सेना में धर्म शिक्षक बनने के लिए सभी उम्मीदवारों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों में, कुछ विशेष वर्ग में इसमें थोड़ा ढील भी दी गई है। अब बहुत सीधी सी बात है कि हम जो भी कार्य करते हैं हम क्यों कर रहे हैं, हमें कितनी सुविधाएं मिल रही है, हमें उससे क्या प्राप्त होगा। तो जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं वेतनमान, एक शानदार वेतनमान, शानदार सुख सुविधाएं हैं। तो वेतनमान प्रतिमाह 57,100 रुपये से लेकर के 1,77,000 प्रतिमाह दिया जाता है और दूसरी सुविधाओं के साथ। धर्म शिक्षकों का यह वेतन 10वीं पे कमीशन पर रखा गया है। सेना में उपलब्ध अन्य सारी सुविधाएं जो अन्य कर्मियों को मिलती हैं, धर्म गुरु को भी समान सुविधाएं प्राप्त हैं। तो इस तरह से सेना में धर्म शिक्षक के रूप में, एक प्रेरक के रूप में, उद्बोधक के रूप में, साथ ही साथ अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें संस्कृत ज्ञान अर्जन के पश्चात एक विद्यार्थी अपनी वृत्ति, अपना रोजगार, अपना पेशा चुन करके अपना, देश का और समाज का कल्याण कर सकता है। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से आप लोगों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और एक सकारात्मक सोच के साथ हम आज के विद्यार्थी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। संस्कृत विषय से संबंधित यदि किसी भी महानुभाव को किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जा करके आप वहाँ अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का तहे दिल से स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।